जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला, हमले में 40 जवान शहीद, कई घायल, सीआरपीएफ की गाड़ी को किया ब्लास्ट, जैश ए मोहम्मद ने ली हमले की जिम्मेदारी। उरी के बाद पहला बड़ा हमला, 7 दिन पहले जारी हुआ था अलर्ट, अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी की बरसी से ठीक पहले हुआ जारी, आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार ने किया हमला। पुलवामा हमले पर राजनीति शुरू, कांग्रेस का मोदी पर हमला, कहा कि आतंकी जवान का सिर काट कर ले जाते हैं और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। 2019 को लेकर उत्तराखंड दौरे पर रहे मोदी, बोट के जरिए जिम कॉर्बेट पार्क पहुंचे, रुद्रपुर में सहकारिता विभाग की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 4 घंटे तक देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर फंसे पीएम मोदी, मौसम खराब होने की वजह से हुई थी दिक्कत। तमिलनाडु के इरोड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, हैंडलूम और पावरलूम संगठनों को किया संबोधित, कहा तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 2019 से पहले 16वीं लोकसभा में मुलायम के सियासी स्ट्रोक से बीजेपी गदगद, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मुलायम के पोस्टर, लिखा धन्यवाद। राहुल गांधी की गुजरात के वलसाड रैली में हुआ अजीब वाकया, जब मंच पर पहुंचे राहुल गांधी तो एक महिला कार्यकर्ता ने किया किस। अजमेर में राहुल गांधी ने दिया जीत का मंत्र, सेवा दल के राष्ट्रीय महाधिवेशन में की शिरकत, बीजेपी आरएसएस पर जमकर कसे तंज, कहा नफरत नहीं प्यार से चलाएंगे देश। फिर गायों की कब्रगाह बनी हिंगोलिया गौशाला, निगम अक्षय पात्र की लड़ाई में भूखे मर गई 500 से ज्यादा गाय, पोस्ट इंडिया की पड़ताल में खुली पोल, अब एक दूसरे पर चाल रहे बेशर्म जिम्मेदार। कर्नल बैंसला ने कल तक के लिए टाला गुर्जर आंदोलन, खत्म करने का फैसला, आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन पर कर रहे हैं मंथन, इधर आम जनजीवन को भी पटरी पर लौटने का इंतजार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से निकल रही है बड़ी खबर, बाकियों की जल्द हो सकती है वापसी, बातचीत का दौर जारी, अमित शाह के जयपुर दौरे के बाद होगा फैसला। नहीं सोचा दिल्ली के अधिकारियों का झगड़ा, 2 जजों के फैसले में रहा मतभेद, 3 जजों की बेंच में जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने उठाए कई सवाल, बीजेपी बोली अंबाना का केस करेंगे। गठबंधन पर चलती केजरीवाल की बेबसी, बोले मैं चाहता हूं गठबंधन, कांग्रेस मना कर रही है। दिल्ली में फिर लगी आग, नारायणा की आर्चिस फैक्ट्री में रखी आग पर काबू पाने के प्रयास, तेज फायर ब्रिगेड रहे मौजूद, कोई हताहत नहीं। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके मामले में भारतीय एजेंसियों को मिली दुबई में बड़ी कामयाबी, आतंकी अबू बकर को दबोचा। मुंडचोरों की राज्यपाल किरण बेदी और सीएम नारायणा सामी के बीच बड़ी तकरार, मुख्यमंत्री नारायणा सामी ने किया राजनिवास के बाहर प्रदर्शन। वहीं मोदी सरकार को मिली बड़ी राहत, 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे महंगाई के आंकड़े। यूपी में कांग्रेस और शिवपाल पार्टी में गठबंधन, लगभग 10 सूत्रों के मुताबिक 20 सीटों की मांग कर रही है शिवपाल की पार्टी। यूपी में बीजेपी को झटका, बीजेपी से नाराज योगी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने छोड़ा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राजभर को मनाने की कवायद शुरू, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की मुलाकात। ईसीआई ने भी तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारियां, सीएसी सुनील अरोड़ा कल आएंगे जयपुर, निर्वाचन अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग, कानून समेत सभी व्यवस्थाओं को लेंगे फीडबैक। जेएनयू देशद्रोह के मामले में आरोपी और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पीएचडी हुई पूरी, बोले हम लाए हैं तूफान से डिग्री निकाल के। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरें। धूमधाम से मनाया जा रहा प्यार के इजहार का पर्व वैलेंटाइंस डे, बाजारों में नए नए गिफ्ट की भी भरमार, होटल और रेस्टोरेंट में हो रहे कपल्स के लिए विशेष कार्यक्रम।